गाइस आज की वीडियो में बहुत सारे आरसी एनिमल्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ, जैसे कि बहुत ही खतरनाक सी दिखाई देने वाली है आरसी टैरेंटुला स्पाइडर। ये है 2-in-1 स्पाइडर, ये जमीन पे भी चल सकती है और दीवारों पर भी चल सकती है। ये एक वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर है, ये एक रोबोटिक स्पाइडर है, ये बहुत ही कमाल तरीके से चल सकती है, दिखने में एक रोबोट जैसी दिखाई देती है। ये दोस्तों एक बहुत ही रियल दिखाई देने वाली सेंटीपीड, हम लोग इसको कन खजूरा भी बोल सकते हैं। अभी ये दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक सी चीज, ये एक रैटल स्नेक है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा रियल स्नेक जैसा चलता है, फाइट भी कराने वाले हैं इसकी स्पाइडर के साथ। चलो दोस्तों फटाफट से इन सभी को करते हैं अनबॉक्स, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन सा आरसी एनिमल जीत पाता है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। एक और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है अमेज़न का। ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई नहीं देती है, मेरे पास और भी स्पाइडर्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो गाइस आप हैरान रह जाओगे उतने ज्यादा रियल स्पाइडर्स भी है। इसकी बॉडी भी बहुत हल्की फुल्की यार, क्योंकि इसको दीवार पर चिपक के चलना होता है। पीछे की तरफ यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ऊपर IR सेंसर दिया हुआ है। ये रहे इसके लेग्स, इसके लेग्स इस तरह से मूव भी करते हैं जब ये चलने लगती है, तो सामने यहाँ पर इसके आईज है। LED लाइट्स लगाई गई है और ये LED लाइट प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। नीचे इसका वैक्यूम दिया हुआ है, जैसे हम इसको दीवार पर चिपकाएंगे ये इस तरह से चिपक जाएगी दीवार पर। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट काफी ज्यादा बड़े साइज का है। पीछे देखो यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर इतनी ढेर सारी बैटरीज डालनी पड़ती है। यहाँ पर दो जॉयस्टिक देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इसका IR सेंसर है। अगर इसको कहीं ग्रास में या फिर कहीं पर भी हम लोग रख देना गाइस, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल स्पाइडर है। इसको यूज करके हम लोग एकदम खतरनाक वाले प्रैंक भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल रियल स्पाइडर जैसी भी चलती है। देखो इसको मैं यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ और इसका साइज भी देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। पर ये जो इसके बाल या फिर इसके हेयर्स दिए हुए हैं गाइस, ये भी बहुत ज्यादा रियल दिखाई देते हैं। लेग्स भी मूवेबल है, पीछे की तरफ से ये इस तरह की दिखाई दे रही है। नीचे यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर भी हम लोग को सेल्स डालने पड़ते हैं। चार चार सेल्स डालेंगे तो तब जाकर ये काम करेगी। यहाँ पर इसके रनिंग व्हील्स है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इसके साथ हम लोग को 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ जो रिमोट मिलता है ये भी बहुत ज्यादा यूनिक है गाइस, जैसे कि देख सकते हो 4 बटन्स देखने को मिलता है इसको चारों डायरेक्शन में चलाने के लिए। डेमो भी दिखा देता है, जैसे हम इस बटन को दबाते हैं तो ये स्पाइडर स्प्रे भी कर सकती है अपने मुंह से। फटाफट से इसको भी मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूं गाइस। ये देखो इसको मैंने यहां से निकाल लिया है। इसके तो साथ बहुत ही खतरनाक वाले प्रैंक्स भी हम लोग कर सकते हैं। इसको नाइट में हम लोग चलाएंगे ना गाइस, ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि इसके आईज एकदम रेड कलर के हो जाते हैं, इतने ज्यादा शार्प डिजाइन वाले दिए गए। ऊपर की तरफ यहां पर इसका बैटरी कंपार्ट है, इसके अंदर भी हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं। नीचे यहाँ पर एक स्पीकर भी देखने को मिलता है और ये आवाज भी निकालती है गाइस। इसके अंदर हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है, तब जाकर इसका स्प्रे प्रॉपर तरीके से काम करता है। सामने एक LED लाइट भी दी गई है ताकि इसका स्प्रे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर आए और ये बहुत ज्यादा रोबोट जैसी दिखाई देती है। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट भी बहुत ज्यादा हैंडी है, इसके अंदर बहुत सारे डायल वाले बटन मिल जाते हैं। ये भी IR सेंसर पर चलता है, पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। अभी ये कन खजूरे को अनबॉक्स करते हैं गाइस। ये एकदम रियल कन खजूरे जैसा ही दिखाई देता है, इसके साथ इस तरह का अंडा मिल जाता है। ये एक्चुअली इसका रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पर है हमारा कन खजूरा यानी कि टाइगर सेंटीपीड। इसका लुक देखो यार, और इसके ऊपर जो शाइनिंग कर रखी है लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमाल किया। इसके भी साथ हम लोग बहुत यूनिक से प्रैंक कर सकते हैं, इस तरह से चलने लगता है। बॉडी कंप्लीटली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाई गई है ताकि ये जिगजैग फॉर्म में चल सके, इतने ज्यादा शार्प लेग्स दे रखे। ऊपर की तरफ IR सेंसर है, यहाँ पर इसके आईज है, नीचे यहाँ पर इसके व्हील्स है। कोई भी सेल्स डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं से ही चार्ज कर सकते हो। अभी रैटल स्नेक को भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूं। सेंटीपीड और रैटल स्नेक बिल्कुल सेम ब्रांड से ही आ जाते हैं इनोवेशन की तरफ से। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रियल जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि ये देख लो गाइस। जब ये चलता है तो इसकी जो पूंछ है इसके अंदर से रैटल की साउंड भी आने लगती है। सामने से इसका लुक देखो बहुत ज्यादा रियल दिखाई देता है। यहाँ पर इसके आईज है, यहाँ पर इसकी टंग है, नीचे की तरफ सेम सेंटीपीड के अंदर जिस तरह के व्हील्स है इसके अंदर भी उसी तरह के व्हील्स है। इसको भी हम लोग बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नीचे की तरफ इस तरह के व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अंदर भी देखो सेम अंडे वाला रिमोट मिल जाता है। यहाँ पर एक बटन है, साइड में 2 बटन है इसको आगे पीछे चलाने के लिए। मेरे पास इस तरह की एक जंगल लिजर्ड भी है और बहुत ज्यादा क्यूट भी दिखाई देती है। इसके आईज देखो यार कितने ज्यादा क्यूट है, ये दिखने में कार्टून जैसी दिखाई देती है। यहाँ पर इसके लेग्स है और जब हम इसके रिमोट के अंदर जैसे ही बटन दबाते हैं तो इसके लेग्स इस तरह से घूमने लगते हैं। सामने के इसके लेग्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये कंप्लीटली रबर से बनाए गए। ऊपर की तरफ IR सेंसर है और इसकी पूंछ जो है थोड़ी सी
इजीली मूव भी हो जाती है। इसके अंदर भी हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं। इसको रख देता हूं मैं साइड में। इसके अंदर रिमोट देखो यार कितना ज्यादा अलग इन लोगों ने दे रखा है, चूहे के शेप में बना रखा है। इसके आईज है, यहाँ पे इसका IR सेंसर है, यहाँ पर इसके ईयर्स है। इसके अंदर भी 3 बटन मिल जाते हैं इस लिजर्ड को कंट्रोल करने के लिए। ओके गाइस, यहाँ पे सभी को मैंने रख दिया है, एक से बढ़कर एक सभी के सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे तो रियल दिखाई दे रहे हैं गाइस। आज ये स्पाइडर जीतती है या फिर ये तीनों जीत पाते हैं। लेट्स गो एंड फाइट। यहाँ पर सभी रेडी टू फाइट मोड में आ चुके हैं। एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले RC टैरंटुला को टेस्ट करते हैं। अगर कोई बंदा इसको दूर से देख लेना, उसको ये रियल स्पाइडर जैसी दिखाई देती है और ये हर एक डायरेक्शन में बहुत परफेक्ट तरीके से चलती है। करते हैं जंगल लिजर्ड को, जब ये चलने लगती है तो ऐसा लगता है कि दो पैरों पर ये दौड़ लगा रही है, बहुत ही फनी वे में चलने लगती है। पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा हार्ड है क्योंकि इसके पीछे के जो लेग्स है ये रोटेट होने लगते हैं। टेस्ट करते हैं रैटल स्नेक को, जब हम इसको चलाते हैं तो इस तरह की रैटल वाली आवाज आने लगती है। इसका लुक देखो यार कितना ज्यादा डिफरेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही ज्यादा किलर दिखाई देते हैं और ये इस तरह से जिगजैग मोड में भी चलने लगता है। अभी ये टाइगर सेंटीपीड को टेस्ट करते हैं। खास तौर पर जब ये चलता है तो इसके लेग्स के ऊपर आप ध्यान देना गाइस, इसके लेग्स ऐसे लगते हैं कि ये सच में लेग्स को मूव करके आगे चलने लग रहा है, जिगजैग मोड में चलने लगता है, इस वजह से ये बहुत ही रियल दिखता है। अभी ये वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर को चला के देखते हैं। रफ सरफेस पर ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, काम करते हैं इसको घर के अंदर चला के देखते हैं गाइस। हाँ यहाँ पर देखो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस जो है बहुत ही स्मूथ है। काम करते हैं इसको दीवार पे चिपका देते हैं, यहाँ पे देखते हैं चल पाता है नहीं। दीवार पर भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, बिल्कुल चिपक कर। अभी एक काम करते हैं कि यहाँ से टर्न कराते हैं, टर्न भी बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। अभी यहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर चढ़ा के देखते हैं। ओहो इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत मेरे को लग रही है, ये बहुत स्पीड से नहीं चल पा रहा है। अभी ये रोबोटिक स्पाइडर को चला के देखते हैं, जब ये चलता है तो इस तरह की आवाज आने लगती है इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ही भारी भरकम स्पाइडर है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे काटने को दौड़ रहा है। अभी नाइट में भी मैं आपको दिखाता हूँ, नाइट में तो ये डेविल से कम नहीं लगता है। इसके आईज देखो कितने ज्यादा रेड है और अपने मुंह से ये स्प्रे भी फेंकने लगता है। पहले हम लोग रेस लगाएंगे इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे रैटल स्नेक आगे निकल चुका है, पीछे पीछे आ रहा है सेंटीपीड, देखते हैं सेंटीपीड इसको हरा पाता है नहीं। सेंटीपीड ऑलमोस्ट इसके पूंछ तक पहुंच चुका था पर रैटल स्नेक ने यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा ली है। रैटल स्नेक यहाँ पर बहुत इजीली जीत चुका है इस रेस को। ओके गाइस, अभी इन दोनों के बीच में भी रेस लगा के देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पर रैटल स्नेक वापस से आगे निकल चुका है। टैरंटुला स्पाइडर पूरी कोशिश कर रहा है इसको रेस में हराने के लिए पर टैरंटुला स्पाइडर देखो बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से नहीं चल रहा है। मेरे को बटन बार बार दबाना पड़ रहा है इसको स्ट्रेट चलाने के लिए पर अपना रैटल स्नेक बिल्कुल एक बार बटन दबाने पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने लगता है। क्लियरली यहाँ पर रैटल स्नेक जीत चुका है रेस को। अभी इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं। लिजर्ड तो बहुत तेजी से दौड़ सकती है मेरे को पता है, पर लिजर्ड देखो यार पता नहीं कहीं दूसरी तरफ जा रही है। मेरे को लग रहा है लिजर्ड यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। यहाँ पर रैटल स्नेक जीत चुका है। अभी इन दोनों की आमने सामने वाली फाइट करेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर उतने में ही रैटल स्नेक ने सेंटीपीड को एक तरफ पटक के रख दिया है और सेंटीपीड को इसने काट लिया है। गाइस यहाँ पर जीत चुका है रैटल स्नेक। अच्छा मेरे को आप समझ में आया जंगल लिजर्ड आधी रेस में किधर गायब हो गई थी, ये यार रैटल स्नेक का अंडा चुराने में लगी हुई है और रैटल स्नेक का अंडा ये चट कर गई गाइस। और ये सारी चीजें रैटल स्नेक ने देख ली है और रैटल स्नेक इसके साथ लड़ाई करने के लिए आ चुका है। देखते हैं गाइस रैटल स्नेक अपना अंडे का बदला ले पाता है इस लिजर्ड से। ओ माय गॉड, इसने एक बार में ही इसको डस लिया है। लिजर्ड के अंदर बहुत ज्यादा जहर छोड़ दिया है, इस वजह से लिजर्ड यहाँ पर तड़प तड़प कर मर चुकी है। फिर रैटल स्नेक के सामने बहुत बड़ी टैरंटुला स्पाइडर आ चुकी है। यहाँ पर टैरंटुला को एक काट नहीं वाला था, उतने में टैरंटुला ने इसको डॉच करके नीचे पटक के रख दिया है और पीछे से इसको काटना चालू कर चुकी है। देखो नीचे गिरा के रख दिया है। यहाँ पर रैटल स्नेक कुछ भी नहीं कर पा रहा है, रैटल स्नेक यहाँ पर हार चुका है। अभी टैरंटुला के साथ फाइट करने के लिए रोबोटिक स्पाइडर भी आ चुकी है। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों ही बहुत ही तगड़ी स्पाइडर से दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर टैरंटुला बहुत आसानी से पीछे ढकल रही थी रोबोटिक स्पाइडर को, रोबोटिक स्पाइडर ने इसको रोक रखा है पूरी तरीके से। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर रोबोटिक स्पाइडर ने पटक के रख दिया है टैरंटुला स्पाइडर को। टैरंटुला स्पाइडर यहाँ पर हार चुकी है यार। अभी यहाँ पर फाइट होगी रोबोटिक स्पाइडर वर्सेस वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। रोबोटिक स्पाइडर बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। रोबोटिक स्पाइडर इसके ऊपर पूरी तरीके से स्प्रे फेंक रही है, इसको बहुत जोर से इसने पकड़ रखा है। अलग अलग तरीके की आवाजें निकाल रही है और रोबोटिक स्पाइडर ने वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर को नीचे से पटक के रख दिया है। ये रोबोटिक स्पाइडर जितनी ज्यादा डेंजरस दिखाई देती है उतनी ज्यादा पावरफुल भी है। कंप्लीटली ये सभी को हरा कर यहाँ पर जीत चुकी है। तो गाइस मेरे को इन सभी में से ये रोबोटिक स्पाइडर सही चीज यार किसी के साथ भी प्रैंक कराने के लिए। दोस्तों आपको इन सभी में से कौन सी चीज अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट, आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है लक्ष्य कुमार, कैफी, जयवीर, प्रवीण, सफवान, धीरज, तन्मय, प्रतीक, वसीम, मुदस्सिर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।